गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और मैं किचन में, हेलो। तो ना मैं, मेरे बाबू की तबीयत खराब है आपको पता है, और मैं लाई हूँ ना सब्जी, क्योंकि मैं बनाऊंगी मिक्स वेज सूप। उसको कुछ भी जो है सॉलिड ना, वो पचा नहीं पा रहा, उल्टी कर रहा है। तो मैंने सोचा आज मार्केट से सब्जी ले आती हूँ, जाके मिक्स वेज सूप बना देती हूँ। तो क्या पता वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है ना, तो थोड़ी तो ताकत मिलेगी। इसलिए मैं खरीद के ले आई हूँ बहुत सारी सब्जियाँ। तो ये है पालक, जिसे मैं लेके आई हूँ बिल्कुल ना ताजी, मंडी से लेके आई हूँ सब्जी। इसी में से दिखाती हूँ। और गाजर, घिया, थैले में भी बहुत सारी सब्जियाँ इस थैले में। ये मशरूम है जो मैं लेके आई, सस्ते मिल गए हमारे तो यहाँ, 50 रुपये के 2 पैकेट मिल गए, जबकि जो गली में आएगा ना वो बहुत महंगी देता है। मेथी की गड्डी, ये भी ताजी मेथी है। और मैं लेके आई हूँ खीरे, हमारी मंडी में 20 रुपये किलो है। तो ये देसी खीरे ना कड़वे कम निकलते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। और जिसको डाइटिंग करनी हो ना ठंड में कर ले, इनके बिहाफ पे, इसके क्या बोलते हैं उसे, वर्ड भूल रही हूँ, इसके ऊपर तो डाइटिंग भी सही हो जाती है। और दोनों गोभी ले आई, ये भी 20 रुपये किलो है हमारे यहाँ। मूली थोड़ी महंगी थी इसलिए नहीं लाई। मूली वैसे 20 रुपये किलो मिल रही थी, महंगी तो नहीं, पर यह है कि ये कहने लगे इनके यहाँ जो है वो 10 रुपये किलो है। मेरे इन लॉज हाउस थोड़ी सी दूर पे, जो आपको पता है, और वहाँ 10 मिल रही है, और हमारी थोक मंडी में 20 मिल रही है, तो मैंने वो ली नहीं। तो आज मैं ना सबको मिक्स करूँगी और फिर इसको सीटी लगा दूंगी और फिर मिक्सी में घुमा दूंगी, और वो खाने से तो रहा, ज़बरदस्ती खिलाऊंगी। तो मेरे बाबू पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनका पेपर है कल का। FIVE तो आप मत करो ना, जैसे मैडम ने कराया वैसा करो। तो किसने लिखा ये? एक तो ना मेरी मैथ्स कमजोर है, यह है 4th क्लास में, मुझे मैथ उतनी नहीं आती। 4th की फ्रैक्शन वगैरह मेरे को तो सिंपल आता है, जमा घटा गुणा भाग ही सीखे हमने अपने, और हमने तो ये सीखे नहीं भाई फ्रैक्शन वगैरह। ये सीखे भी होंगे तो मेरी माइंड इतना शार्प नहीं कि मैं अब तक याद रख सकूं। तो अब इसको प्रॉब्लम होती, मैंने ट्यूशन लगा रखा है फिर भी इसे ट्यूशन में क्यों नहीं पूछा? ट्यूशन में क्यों नहीं पूछा आपने मैडम से? मुंह बनाने से क्या होगा, कल एग्जाम है और आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गलत बात है ना बाबू। तो मैंने अपनी मिक्स वेज की ना प्लेट तैयार कर ली है। इसमें है पालक, फिर है गाजर, फिर है घिया, और मैंने थोड़ा लिया बथुआ और कैबेज। तो बाहर ना थोड़े से साधु बाबा आए हुए हैं, गाना गा रहे हैं, उन्हीं की साउंड आ रही है। इसको मैं सीटी लगा दूंगी धोके 1 चम्मच देसी घी में। तो ये और थोड़ी सी मिलाऊंगी इसमें हरी मूंग की दाल, तो ये सही ऑप्शन है। अभी देखती हूँ कि मैं इसको तैयार करती हूँ तो इसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि मैं भी पहले मैंने ऐसा ना बनाया नहीं है सूप, फर्स्ट टाइम ही बनाने जा रही हूँ मैं भी। तो मैंने देसी घी में थोड़ा सा ना जीरा डाला है, और इसमें 3-4 लहसुन की कलियां भी डाली है मैंने। तो मैं तो इसमें ना 4 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि 4 सीटी में ही ना मेरे जो दाल है इस कुकर में बनती है, थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने उबाल लिया, अब इसका सूप बना दूंगी मिक्सी में जब ये ठंडा हो जाएगा। तो मैं सब मिक्सी में इसका ठंडा होने का वेट करूंगी, और जब मेरा बाबू तो अभी सोया हुआ है, जब उठ जाएगा जब उसे दूंगी, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है, बस दूध दूध पे ही है, एकदम ढल सा गया बच्चा ना। पता नहीं ये बीमारियां क्यों आती है, बीच बीच में बच्चे इतने बीमार पड़ जाते हैं, और वो भी पता नहीं छोटे बच्चे जो कुछ कह भी नहीं सकते, और इतनी तकलीफ में था वो, रात को भी पूरी रात रोया है बस। दाल कब से खाने लगा मैं? दाल नहीं है, पता है क्या बनाया मैंने, इनको खाना तैयार करके ले आई हूँ तो कह रहे दाल, पालक चने की दाल। दाल, आई हेट दाल। तो मैंने पड़ी लकड़ी ले ली अपनी उंगली काट के, क्योंकि मैंने ना चाकू से
छील रही थी मैं मिक्सी का, और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, और इतनी तारीफ सुनने गई थी जबकि हो गई मोए मोए। आजकल कितना चल रहा है मोए मोए है क्या, मैंने तो गाना भी नहीं सुना। शायद नई फिल्म का है ना चुन्नू, उस फिल्म का है क्या, जानवर फिल्म का मोए मोए। तो अब 2:30 बज गए और अभी मैंने ना अपने बाबू को भाप दिए, ये देखो कैसे करके सोया हुआ ये बाबू। जो ना बेटा मेरा एकदम ही ना वो हो गया है, गर्म पानी पी रहा है अभी, तो डॉक्टर ने बोला ज्यादा लिक्विड देना, दूध जाता है ना अंदर तो इसको तकलीफ कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही पी पा रहा है। वैसे मैंने इसको वो जो प्रोटीन वाला जो बनाया था ना, मिक्स वेज प्रोटीन कह लो आयरन कह लो, वो तो मैंने खिला दिया इसे थोड़ा सा जबरदस्ती। और मेरे ना इसको भी बहुत बुखार है, ईशा को अभी भी है, दिखा इसका तो उतर ही नहीं रहा बुखार, इसको चेक करूं पहले मैं। तो हाँ, आ गई है, गाना आ रहा था प्राची जी का, घर का नाम जो भी हो हम बताएंगे नहीं इस पे। तो कल से छोटी रो रही थी, कल्लो को लाओ कल्लो को लाओ, कल्लो दीदी प्यार से कल्लो दीदी नाम है इनका प्राची जी का। तो ये प्राची जी लाइए, ओहो अभी भी बहुत रो रही थी है। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना।